हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हरिकृष्ण मल्लिक फ्रॉम हिस्ट्री क्लासेस। आज आम भिडियो देखा हिस्ट्री रो महाजनपद, जो आम हिस्ट्री रो जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप देखते षोडश महाजनपद, जो 16 महाजनपद अच्छी, षोहटी महाजनपद, ता विषय आज आम देखा। आज आम भिडियो क्लियर होगा कि महाजनपद कौन, क्या महाजनपद कहा जाए, आउ महाजनपद विषय पढ़ले आम फायदा कौन हम, बेनिफिट कौन हम। ओके, तो प्रथम तो तुम शुणी रख, आम आज जो मानचित्र आम पढ़ा, जो महाजनपद जो पढ़ा, आज भारतर मानचित्र विषय पढ़ा, भारतर जियोग्राफिकाली भौगोलिक स्थिति विषय पढ़ा, क्यों क्यों राज्य से आर द टाइम पीरियड ऑफ 600 BC बिफोर कास्ट, ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी, ख्रीष्टपूर्व 600 बा ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे, जे भारतर मैप, भारत सेतेबेले को रूप रे थिला, भारत रे केउ केउ राज्य थिला। ओके, ता विषय आम देखा। ओके, एटी आड करि नबा श्रीलंका को। ओके, दिस इज श्रीलंका, आड कर नबा को। वेरी गुड, वेरी गुड। देन एबे मो कथा केयरफुली सुनो, जे आम ये महाजनपद चैप्टर रे बहुत इम्पोर्टेंट जिनस आलोचना करार अच्छी, तेणु भिडियो को देखला बेल जमा अन्यमनस्क होनी, आउ आम तार बीट बाय बीट पॉइंट आम देखार अच्छे ये भिडियो रे, बीट बाय बीट पॉइंट आम जिते बड़े भारत जो अखंड भारत थी, भारत 6 शताब्दी बा 600 ख्रीष्टपूर्व, 600 ख्रीष्टपूर्व तुमको कहा जाए ख्रीष्टपूर्व माने कौन, जो मैंने देखी ना से लास्ट वीडियो देख हिस्ट्री मोर से आराम से बुझीज ख्रीष्टपूर्व माने कौन। देखो इतिहास जिते बड़े आरंभ करागला, इतिहास विषय जो जानवाक चेस्टा करागला, आउरी पुरातन विषय जानवाक चेस्टा करागला, आउरी अतीत विषय जानवाक चेस्टा करागला, से जीशुख्रीष्णकर जन्म डेट को निगला 0, जीशुख्रीष्णकर जन्म डेट को निगला 0, आउ जीशुख्रीष्ण पछरे जो इतिहास था तो सियाड़ को निगला जीशुख्रीष्ण पछ को निगला ख्रीष्टपूर्व 1, ख्रीष्टपूर्व 2, ख्रीष्टपूर्व 3, ख्रीष्टपूर्व 4, तो ओल्टा गिनती है जीशुख्रीष्ण ओल्टा गिनती होला। ओके, तो एक तुमको मु लास्ट वीडियो में तुमको कही दे ख्रीष्टपूर्व कौन, ख्रीष्टाब्द कौन, ताको देखी नब जो मैंने देखिन। तो आज आम देखा 600 ख्रीष्टपूर्व, 600 ख्रीष्टपूर्व बा षष्ठ शताब्दी रे भारतर स्थिति कौन थिला, बा सेते बेले भारत रे जो जो राज्य माने थिले से राज्य मानकु कौन बोली कह जाउतला, आउ सेते बेलर भारत रो आकार देख, ये तुमको देखा जाऊ तो व्हाइट बोर्ड रे ये थिला तुम भारत रो आकार षष्ठ शताब्दी रे। देख तले मुझे ये पोजिशन देख मुझे श्रीलंका, बट तुमको देखा जा निके ये प्रोब्लेम, तो देखनी टी भलसे यमर जमी मैप्रे आम जानते श्रीलंका ये तल पोजिशन लोके यहाँ आगे तल पोजिशन ले हम, तो मुझे काटिदेली कहीं ये आम अखंड भारत ये भी गोटे पार्ट, जो अखंड भारत स्वप्न दिने चंद्रगुप्त मौर्य देखी, जो अखंड भारत स्वप्न चंद्रगुप्त मौर्य जी गुरु थे चाणक्य देखी, से ही अखंड भारत मानचित्र तुम सामने अच्छी, पूरा अखंड भारत मानचित्र देख। वर्तमान ये अखंड भारत को विभक्त कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अलग देश, पाकिस्तान आउ गोटे देश, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आउ भारत, यहीभिया कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठटी देश में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठटी देश में विभक्त करम अखंड भारत को। वर्तमान आमर जो अखंड भारत 8 गोटी देश में परिणत हो सारी वर्तमान स्थिति रे, किंतु ख्रीष्टपूर्व 600 रे आमर कौन ना ये जो टोटल भारत ये गोटे देशर मान्यता पाला, जितेबले चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे जे चाणक्य, चाणक्यंकर स्वप्न थिला अखंड भारत स्वप्न, तो से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को देख मगध, मगध एठी अच्छी, देख एठी थिला मगध जोड़ा बिहार में अवस्थित। ओके, तो मगध देख एठी अच्छी, तो से मगधर मगध राज्यटी जितेबले चंद्रगुप्त मौर्य मगधर राजा हेले सेतेबले मगध पूरा ए टोटाल, ए टोटाल राज्यर ए टोटाल देशर राजा थिले, पूरा मगधर राजा किए थिले ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये टोटाल चंद्रगुप्त मौर्य बा अशोकों समय आम देखिल अशोक कलिंग आक्रमण करते कहीं कलिंग से चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को परास्त करन थिले, किंतु अशोक कलिंग को परास्त कर सकते हैं, टोटाल यो टोटाल देखु तुम अखंड भारत ये ये मगध, मगध दिने ये टोटाल भारत को ता निज साम्राज्य में मिसाई सारी, तो
ପରିଶେଷରେ ମଗଧ ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଆମ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ, 8 କୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଆମ ଭାରତକୁ। ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ସେଇ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତମେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଯେ ମହାଜନପଦର ମାନେ କ'ଣ, ମହାଜନପଦର ମାନେ କ'ଣ। ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା, ଏକୁ 16 ମହାଜନପଦରେ ବା 16 ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଖ ମହାଜନପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହା ମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼, ମହା ମାନେ ବଡ଼, ଜନପଦ ମାନେ, ଦେଖ ଜନପଦ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଜନପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏକୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବା ମହାଜନପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ମହାଜନପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ବିଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ମହାଜନପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବିଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତକୁ ଟୋଟାଲ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 6ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ କେତୋଟି ମହାଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଟାଫଟ କେତୋଟି ମହାଜନପଦରେ, 16, କେତୋଟି ମହାଜନପଦ, 16 ମହାଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ଆମ ଟୋଟାଲ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 16 ମହାଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 6ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରେ, ଓକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରେ ତାକୁ 16 ମହାଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେତୋଟି ମହାଜନପଦ, ଫଟାଫଟ 16 ମହାଜନପଦ, ତ ଫଟାଫଟ ତା ନାଁ ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କମ୍ବୋଜ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କର ଏଇଠୁ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କମ୍ବୋଜ, ପ୍ରଥମେ କମ୍ବୋଜ, ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧାର, ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ବୋଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର, ଥାର୍ଡ କୁରୁ, କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଦେବା, ଓକେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଦେବା, 1 ହେଲା କମ୍ବୋଜ, 2 ହେଲା ଗାନ୍ଧାର, 3 ହେଲା କୁରୁ, 4 ସୁରସେନ, 5 ମତ୍ସ୍ୟ, 6 ଅବନ୍ତୀ, 7 ଅଶ୍ମକ, 8 ଛେଦି, 9 ଭତ୍ସ, 10 କୋଶଳ, 11 ପାଞ୍ଚାଳ, 12 ମଲ୍ଲ, 13 କାଶୀ, 14 ଭଜି, ଓକେ ତା କେତେକ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁ କୁହନ୍ତି ଭ୍ରିଜି, ଓକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇନ୍ ଡିଟେଲ ପଢ଼ିବା ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେନ୍ 15 ଅଙ୍ଗ, ଦେନ୍ 16 ମଗଧ। କାହିଁକି ମୁଁ ମଗଧକୁ ଶେଷକୁ ରଖିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ମଗଧ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଗଧ ମହାଜନପଦ ବାକି ସବୁ ମହାଜନପଦକୁ, ବାକି 16 ମହାଜନପଦକୁ ମଗଧ ମହାଜନପଦ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ସାରିଥିଲା। ତୁମକୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି, ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଗଧ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଧିକାର କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ମିଶି ତଳ ପୋଜିସନ୍, ଏଇ ତଳ ପୋଜିସନ୍। ତ ଟୋଟାଲ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ, ଇଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଶୋକ ଥିଲେ, ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ, ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 8 ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ 8 ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 8 ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିନେବା ଏକାଥରେ ଆମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ଓକେ। ତ ଆମେ ବିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ବିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଇଏ ସର୍ ନୁ ହଁ ନା ମୋତେ କୁହ, ଯଦି ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍, ତୁମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କର, ଯଦି ତୁମେ ନୋଟ୍ ବନାଅ, ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ନୋଟ୍ ବନେଇବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ନୋଟ୍ ବନେଇଲେ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ତୁମେ ପଢ଼ିବନି। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କ'ଣ କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସର୍ଟକଟ୍ ନୋଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଇଜି ହେବ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ପାଖରେ ପୁରା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ପୁରା ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କାଟିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 16 ମହାଜନପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇ 16 ମହାଜନପଦ ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଠି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଥିଲା, ଓକେ ସୁରୁ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଆଉ 16 ମହାଜନପଦ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ, 16 ମହାଜନପଦ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ, ଓକେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ।
very good. Then first महाजनपद कौन कह प्रथम महाजनपद प्रथम महाजनपद कंबोज वेरी गुड प्रथम महाजनपद कंबोज देख ये कंबोज विषय ऐतिहासिक मैंने जाणिले किपर ये जो महाजनपद जो षोहटी आम देखा ऐतिहासिक मैंने षोहटी महाजनपद विषय जाणिले किपर देख केतक बही अच्छी केतक पुस्तक अच्छी से ही पुस्तक रु महाजनपद विषय आमको धारणा मिलला किए कि पुस्तक देख इम्पोर्टाट कौन कौन मन रख अंगुतर निकाय कौन फटाफट मत कह फटाफट मत कह कि पुस्तक अंगुतर निकाय तुमको कंगुतर निकाय हूँ तुम कौन ना बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय हूँ कि ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय दीर्घ निकाय देख ये जो षोड़श महाजनपद जिते बड़े जो षष्ठ शताब्दी समय यही समय तुमको कहुला जैन धर्म आ बौद्ध धर्म यही षष्ठ शताब्दी विकसित होता महावीर जैन आ गौतम बुद्ध तेणु जैन ग्रंथ आउ बौद्ध ग्रंथ रे यही महाजनपद विषय इन डिटेल धारणा अच्छी तेना आमको महाजनपद विषय केमी आम धारणा पाइल आम जाणिले किमी महाजनपद या सब या ना थिला यार राजधानी ये थिला तो जाणिले किपर आम तो आम जाणिले बौद्ध ग्रंथ आउ जैन ग्रंथ गोटे है बौद्ध ग्रंथ ये दुटा कौन अंगुतर निकाय आ दीर्घ निकाय ये कौ ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ कौन अंगुतर निकाय आ गोटे कौन दीर्घ निकाय देन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ओके जैन ग्रंथ कौन देखो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय दीर्घ निकाय जैन ग्रंथ कौन भगवती सूत्र आउ उत्तराध्ययन सूत्र फटाफट मत कह बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय आउ दीर्घ निकाय ये आम कौन जानले महाजनपद विषय षोडश महाजनपद विषय देन आउ कौ ग्रंथ जानले जैन ग्रंथ कौ ग्रंथ जैन ग्रंथ कौन भगवती सूत्र आउ उत्तराध्ययन सूत्र जैन ग्रंथ कौन भगवती सूत्र आउ उत्तराध्ययन सूत्र देन तापर कौट जानले रामायण आ महाभारत कौट जानले रामायण आ महाभारत देख ये जो रामायण आ महाभारत ये बहुत पुराण काव्य माने हिंदू धर्म रे ये ये जो रामायण आ महाभारत कहा जाए हिंदू धर्म रे रामायण रामायण होता के ख्रीष्टपूर्व 5000 बीसी रामायण आउ महाभारत होता 3000 बीसी माने 3000 बीसी माने बुझिपार आज को प्राय 5000 वर्ष पूर्वे महाभारत होता आउ 5000 बीसी माने बुझिपार आज को प्राय 7000 वर्ष पूर्वे रामायण होता तो जेहेतु ये बहुत पुराण तेणु या उपरे ये महाजनपद विषय कम कम धारणा अच्छी किंतु ये जो अंगुतर निकाय दीर्घ निकाय आउ भगवती सूत्र उत्तराध्ययन सूत्र ये हूँ मात्र षोड़श बा मात्र सरी मात्र षष्ठ शताब्दी बा 600 ख्रीष्टपूर्व आज को प्राय 2600 वर्ष पूर्वे आज को प्राय केते वर्ष पूर्वे 2600 वर्ष पूर्वे देख बर्तमान चलती 2021 तो 600 ख्रीष्टपूर्व मीन्स 2021 प्लस 600 कर दि तो इज इक्वल टू 2600 ख्रीष्टपूर्व 2600 वर्ष पूर्वे 2600 वर्ष पूर्वे लेखा जाता अंगुतर निकाय दीर्घ निकाय आ भगवती सूत्र आ उत्तराध्ययन सूत्र किंतु रामायण महाभारत केवे लेखा जाता रामायण लेखा जाता 5000 बीसी आउ 3000 बीसी 5000 बीसी हूँ आज को प्राय 7000 वर्ष पूर्वे आउ 3000 बीसी हूँ आज को प्राय 5000 वर्ष पूर्वे कहीं मिसई दि 3000 प्लस बर्तमान 2021 मिसई दि ओके ये सर जदि तुम क्वेश्चन किए पचारे ये जो षोड़श महाजनपद विषय तुम जाण किपर कौ कौ पुस्तक रु जान तुम आराम से कहींपर जे आम बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथ आउ रामायण आ महाभारत रु जानवाक पाइल तेने बौद्ध ग्रंथ हूँ किए अंगुतर निकाय आउ दीर्घ निकाय आउ जैन ग्रंथ किए भगवती सूत्र आउ उत्तराधन सूत्र क्लीयर ना ना हाँ ना ना कह फटाफट येस अर नो वेरी गुड तेने षोड़श महाजनपद विषय आम जानले कौटू आ बौद्ध ग्रंथ आउ जैन ग्रंथ वेरी गुड देन बौद्ध ग्रंथ कौन अंगुतर निकाय दीर्घ निकाय जैन ग्रंथ कौन भगवत सूत्र आउ उत्तराध सूत्र वेरी गुड देन आउ कौटे जानले रामायण आउ महाभारत वेरी गुड वेरी गुड तेन ये कौन आम यही बही रु आम जाणिले षोड़श महाजनपद विषय ओके देन षोड़श महाजनपद विषय आम यही बही रु जाणिले एवं आम देखा एक स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एक स्क्रीनशॉट नहीं जाओ वेरी गुड देन आम देख फर्स्ट महाजनपद
ओके देन आम देखा प्रथम महाजनपद कंबोज कौन देख कंबोज कंबोज मत कह यो तुम कंबोज मानचित्र ये कौटी अच्छी अफगानिस्तान ले देख कंबोज जो मानचित्र तुम देखा जाटा वर्तमान वर्तमान जो कंबोजर जो सिचुएशन वर्तमान कौटी अफगानिस्तान ताने वर्तमान अफगानिस्तान षष्ठ शताब्दी रे बा 600 ख्रीष्टपूर्व रे ता ना थिला कंबोज वर्तमान अफगानिस्तान वर्तमान देख ये हम प्यारा सा भारत इंडिया ये हम प्यारा सा भारत ता साइड रे ये ला पाकिस्तान आउ ता पाकिस्तान ऊपर गला कंबोज बा अफगानिस्तान पाकिस्तान ऊपर गोची अफगानिस्तान मन रख जे ए जो आमर जदि तुम क्वेश्चन पढ़ा जाए भारत पड़ोसी राष्ट्र किए तुम लिख भारत पड़ोसी राष्ट्र हूँ सरी पाकिस्तान नेपाल भूटान चाइना म्यांमार बांग्लादेश आउ श्रीलंका किंतु बेले बेले पिला कौन करती ये जो अफगानिस्तान को आड करती ना कहीं कहते जे अफगानिस्तान आम सीमा को लगी ना मन रख आमर यो पोजिशनटा ये पाकिस्तान अंडर में अच्छी ये जो पोजिशन देखु ये क्या अंडर में अच्छी पाकिस्तान तक कब्जा करके रखी तो ता ना हो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर पोजिशनटा ना कौन पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर किंतु देखो ये अफगानिस्तान बॉर्डर आम बॉर्डर को ये टच करुच्छे जेहेतु पाकिस्तान सरी अफगानिस्तान बॉर्डर आम बॉर्डर को टच करुच्छे देखो ये आम बॉर्डर को ये टच करुच्छे कहीं आम बॉर्डर हूँ यहाँ किंतु यहाँ हूँ पाकिस्तान यही अंचल को कब्जा कर रखी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर ओके तेणु जेहेतु सी आम बॉर्डर को टच करुच्छे कहीं तो आम बॉर्डर जेहेतु ये कब्जा कर रखिले सीना आम बॉर्डर नाटा तेना जेहतु ये आमको टच कर अफगानिस्तान तेनाली अफगानिस्तान हूँ पड़ोसी राष्ट्र आ जो चीन अच्छे एपटे एपटे अच्छी चाइना चाइना कौन कर पीसटा को कब्जा करके रखी देख या ना हूँ अक्सियाचीन या ना कौन अक्सियाचीन को ये जो पीस यहाँ कहुए अक्सियाचीन या किए कब्जा कर रखी चाइना ओके लेट इट आम हिस्ट्री आम पड़े जियोग्राफी इे तो लेट इट इे पलि आस देख आम देखिले कंबोज पढ़ुं कौन आम पढ़ुं कौ राजधानी विषय पढ़ुं सरी कौ महाजनपद विषय पढ़ुं कंबोज ओके मत कह कंबोज वर्तमान वर्तमान के स्थान में कंबोज थी अफगानिस्तान कौ स्थान अफगानिस्तान अफगानिस्तान किए थी कंबोज देन कंबोजर राजधानी कौन थी कंबोजर राजधानी थी राजपुरा कौन थी कंबोज राजधानी राजपुरा केतक कहते हटक केतक कंबोज राजधानी कौन कहते हटक किसी बहर अच्छी कंबोजर राजधानी हूँ हटक कि कंबोज राजधानी मत कह कौन कंबोज राजधानी हूँ राजपुरा कंबोज कौटी अवस्थित अफगानिस्तान अंचल कौटी अवस्थित फटाफट मत कह कंबोज कौटी अवस्थित अफगानिस्तान अंचल कंबोज राजधानी राजपुरा ओके तो कंबोज राजा किए थे चंद्रवर्मन कंबोज किए राजा थे कंबोज जी राजा थे ना हूँ चंद्रवर्मन ना चंद्रवर्मन चंद्रवर्मन कंबोजर राजा थे चंद्रवर्मन कंबोज राजा थे आउ चंद्रवर्मन पर राजा होते सुदक्षिण कौन तक ना सुदक्षिण सुदक्षिणा नुहे सुदक्षिण ओके आम दक्षिणा दिखती गुरु को जिते आम टीचिंग कम्प्लीट हो जाए आम जो पाठ पढ़ी सारती से गुरु को दक्षिणा दिखती ओके गुरु को किसी परिमाण दक्षिणा दिखती ए मॉडर्नाइज दक्षिणार मॉडर्नाइजेशन हो कौन ना सैलरी दरमा दरमा फी ट्यूशन फी ओके तो लेट इट तो सुदक्षिण तान मत कह यो कंबोजर राजा किए थे चंद्रवर्मन चंद्रवर्मन पर राजा किए थे सुदक्षिण किए राजा थे सुदक्षिण किए राजा थे सुदक्षिण कहुए जिते महाभारत महाभारत कहुए महाभारत समय अंगराज कर्ण जो कर्ण आम शुणी पांडव जी कुंती जी बड़ पुत्र थे पांडव जी रियल बड़ भाई थे अंगराज कर्ण ओके तो सी जो कर्ण जी थे सीए यही कंबोज को परास्त करके निज अख्तियारे निज अधिकार नहीं किए कर्ण कहुए महाभारत कि मन रही कंबोज राजधानी राजपुरा कंबोज कौटी अवस्थित अफगानिस्तान अंचल कौटी अवस्थित अफगानिस्तान अंचल कंबोज राजधानी राजपुरा बा हाटक आउ कंबोज किए राजा थे सुदक्षिण आउ चंद्रवर्मन किए राजा थे सुदक्षिण आउ चंद्रवर्मन वेरी गुड देन तापर पल गांधार कौन तापर कौ राज्य कौ महाजनपद द्वितीय महाजनपद गांधार द्वितीय महाजनपद गांधार
ओके द्वितीय महाजन पद गांधार। देखो गांधार देखो यही लाइन में अवस्थित, केयरफुली लक्ष्य कर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर रे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर रे लक्ष्य कर। गांधार महाजन पद कौटी अवस्थित, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान काबुल, पाकिस्तान रावलपिंडी। ना मन रख, अफगानिस्तान काबुल, पाकिस्तान रावलपिंडी। अफगानिस्तान काबुल आओ पाकिस्तान रावलपिंडी। ओके अफगानिस्तान काबुल, काबुल कबुल भी कहा जाए। ओके कौन कहा जाए देखो काबुल। ओके अफगानिस्तान काबुल आओ पाकिस्तान रावलपिंडी। रावलपिंडी मतलब बॉर्डर रे। गांधार राज्य कोठी अवस्थित, अफगानिस्तान काबुल, पाकिस्तान रावलपिंडी अंचल रे गांधार राज्य। देख ये जो बाटे देखिए लक्ष्य कर, पाकिस्तान और भारत ए बार देखी जाइए की नदी, सिंधु नदी। की नदी सिंधु नदी, केयरफुली देखी नियो सिंधु नदी को बार देखी जाइए। भारत आउ पाकिस्तान एबार देखी सिंधु नदी जाइए। आउ यही कूल रे सिंधु उपत्यका गढ़ी उठीला। आम जो पढ़ा तुमको हरप्पा और मोहेंजोदार सभ्यता पढ़ा जाए, पढ़ेबा हरप्पा और मोहेंजोदार सभ्यता पढ़ेबा। से पढ़े आम देखा यही कह जाए सिंधु नदी, यहाँ की नदी बोली कहुए सिंधु नदी। ये सिंधु नदी कूल से आम जो हरप्पा मोहेंजोदार देखा, हरप्पार किसी अंचल भारत देखा जाए, हरप्पार किसी अंचल भारत देखा जाए, आउ किसी अंचल पाकिस्तान देखा जाए। हरप्पार किसी अंचल भारत देखा जाए, आउ किसी अंचल पाकिस्तान देखा जाए। मोहेंजोदार किसी अंश भारत देखा जाए, आउ किसी अंचल पाकिस्तान देखा जाए। यहाँ है तुम सिंधु नदी। ओके लेट इट। तो गांधार थिला गांधार क्यों क्यों अंचल में वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी, अफगानिस्तान काबुल अंचल षष्ठ शताब्दी गांधार महाजनपद अवस्थित थिला। क्यों महाजनपद गांधार महाजनपद। आ देखो गांधार जी राजा थे तुमको महाभारत समय देखी थोड़ा जिते कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला क्या शकुनी को डाकती गांधार राज, शकुनी कौन डाकती गांधार राज। शकुनी थिला किए ना दुर्योधन मामा, दुर्योधन मामू आउ दुर्योधन मामू थिला किए गांधार। आउ किए ना गांधारी भाई थिला, गांधारी भाई थिले शकुनी, गांधारी भाई थिले किए शकुनी। शकुनी ना थिला गांधार राज, कहीं ना से गांधार राजा थिले। मन रख शकुनी बापा ना थिला सुबल, शकुनी बापा ना सुबल। मन रख शकुनी 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 बापा ना हूँ सुबल। तो सुबल थिले गांधार राजा, सुबल मृत्यु पर शकुनी हेले गांधार राज। जेतेबेले तुम शुणी थो सुबल पुओ थिले शकुनी आ सुबल झीओं ना थिला गांधारी, सुबल पुओं ना शकुनी, सुबल झीओं ना गांधारी। से कौन होता ना तक राज्य अनुजाई राजकुमारी ना रखा, माने बापा माँ मैंने झीव को एत भल पाते से राज्य अनुजाई राजकुमारी से समय षोड़श महाजनपद समय झीव मानक बहुत भल पाते, झीव मान प्राधान्य थिला। देखो वर्तमान जमी झीव मान प्राधान्य वर्तमान सिचुएशन तुम निजे फिल कर, वर्तमान सिचुएशन जो भी अनएजुकेटेड लोक मैंने इंडिया में अनएजुकेटेड। ओके तो से झीव मान प्राधान्य बहुत कम, झीव मान को फैसिलिटी दि जाए। आम आम फैमिली कथा देखा, आम फैमिली मानक आम समस्त ये मानक झील मानक टे पुओ तुलना टे कम फैसिलिटी मिले, ये वर्तमान रियालीटी। कितु तर से झील मानक बहुत सारा फैसिलिटी दिखाला, भाव झील मानी स्वयंवर रखा जाऊ, भाव राजकुमारी मानी स्वयंवर रखा, मानते स्वयंवर राजकुमारी बसवे, राजकुमारी बहुत सारा राजा आसवे, सब राजा माता सीता स्वयंवर देखी नियो, द्रौपदी स्वयंवर देखी नियो। ओके स्वयंवर सब राजा आसिक बसवे, जो राजा तर जो युद्ध युद्ध कि किसी गोटे कंपिटन रखा, कंपिटन फर्स्ट हे ना जो राजा को राजकुमारी, राजकुमारी जहाँ को पसंद करेंगे ताकू बह करे, भाव मानने वर्तमान जब सेमती हाँ के भल हाँ ना लेट इट। तो वर्तमान किंतु झील मान पसंद को गुरुत्व दि जाऊनी, किंतु सेते महाजन पद समय झील मान पसंद को गुरुत्व दिखाला, झील मान इच्छा को गुरुत्व दिखाला, झील मैंने जहाँ को चाहिए ताको पसंद रे विवाह करा। ओके तो लेट इट। तो ये थिला कौन ना ना ये जो गांधार जे राजा थे सुबल, तो झील का ना कौन रखते गांधारी। से भाई तुम शुण द्रौपदी, द्रौपद राजा झील द्रौपदी। ओके तो गांधार राजा झील का ना कौन थी गांधारी, गांधार राजा पुओं ना कौन थी शकुनी। केयरफुली मन रख जिते सुबल मृत्यु पर शकुनी कौन कर, शकुनी सुबल मृत्यु पर बापा हाड़ कांध हाड़ कौन कर दीटा हाड़ खोलिकी पसा, जो पसा जो खेलते कौन तक कहते जो पसा खेला बेल दुई टीम थाएँ धरिकमी गड़े पकाते। ओके तो से बनई
ସେଇଥିପାଇଁ ଶକୁନି ଯାହା ଦାନ ଡାକନ୍ତି ସେଇ ଦାନ ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏଇ କାନ୍ଧ ହାଡ଼ରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବନେଇଥିଲେ ପଶାର ସେ ଯେଉଁ କାଠି ପଶା କାଠି। ଓକେ, ତ ଶକୁନି ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧାର ରାଜା, ଲେଟ୍ ଇଟ୍। ଶକୁନି କ'ଣ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧାର ରାଜା। ତ ଶକୁନି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମାମା। ଶକୁନି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମାମା। ସେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା। ଇଏ ଇଏ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି? ମହାଭାରତ କାବ୍ୟରେ। କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି? ମହାଭାରତ କାବ୍ୟରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଶକୁନି ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା, ଆଉ ଗାନ୍ଧାରର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। କ'ଣ? ତକ୍ଷଶିଳା ଗାନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ। ଗାନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। କ'ଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ? ତକ୍ଷଶିଳା ଥିଲା ବା ତକ୍ଷଶିଳା। ମନେ ରଖ, ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ସମୟରେ ବା ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ବହୁତ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ତକ୍ଷଶିଳା। ଆଉ ଯାହାର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଟିଚର୍ ବା ଲେକ୍ଚର୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଚାଣକ୍ୟ। ବହୁତ ସାରା ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? ତକ୍ଷଶିଳା ଯିଏ ଲେକ୍ଚର୍ ଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। କିଏ ଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟ, ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୌଟିଲ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ନାଁରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ଓକେ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? କୌଟିଲ୍ୟ। ତ ସେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ତକ୍ଷଶିଳାରେ। କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ତକ୍ଷଶିଳାରେ। ଆଉ ତକ୍ଷଶିଳା ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ତକ୍ଷଶିଳା ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତକ୍ଷଶିଳା କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ତକ୍ଷଶିଳା କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧାରରେ। ତକ୍ଷଶିଳା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଗାନ୍ଧାରରେ। ଆଉ ତୁମକୁ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ତକ୍ଷଶିଳା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତକ୍ଷଶିଳା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପାକିସ୍ତାନରେ, କାହିଁକିନା ଗାନ୍ଧାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଏ ତକ୍ଷଶିଳା କେଉଁ ମହାଜନପଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତକ୍ଷଶିଳା ଗାନ୍ଧାର ମହାଜନପଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେଉଁ ମହାଜନପଦ? ଗାନ୍ଧାର। ତକ୍ଷଶିଳା କେଉଁ ମହାଜନପଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଗାନ୍ଧାର। ଓକେ, ତ ତକ୍ଷଶିଳାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପୁକୁସତୀ। କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ? ପୁକୁସତୀ। ତକ୍ଷଶିଳା ଭାଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ଥିଲେ ପୁକୁସତୀ, ପୁକୁସତୀ। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶକୁନି ଯିଏ ଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ। ଶକୁନି ଥିଲେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁକୁସତୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା। କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ? କ'ଣ ଥିଲା? ପୁକୁସତୀ। କିଏ ନାଁ? କ'ଣ ଥିଲା? ପୁକୁସତୀ, ଯିଏ ଅବନ୍ତୀର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଉଦ୍ୟତ। ଅବନ୍ତୀର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ଉଦ୍ୟନ୍ତ। ଅବନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅବନ୍ତୀର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଉଦ୍ୟତ, ତ ସେ ଉଦ୍ୟତଙ୍କୁ ସିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୋତ, ଉଦ୍ୟତ ନୁହେଁ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା? ପ୍ରଦ୍ୟୋତ। ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କୁ ସିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ହଉ, ଉଦ୍ୟତ ମାନେ କୀଟ, ଆମ ଯେଉଁ ଖଦ୍ୟୋତ, ସରି, ଖଦ୍ୟୋତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକ କୁହାଯାଏ ଖଦ୍ୟୋତ, ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକ କୁହାଯାଏ ଖଦ୍ୟୋତ, ଏଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୋତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଥିଲେ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା, ତ ଗାନ୍ଧାରର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ପୁକୁସତୀ, ଇଏ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଫଟାଫଟ କୁହ। ଅବନ୍ତୀ ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ପୁକୁସତୀ। କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ପୁକୁସତୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ବୋଜ ଆଉ ଗାନ୍ଧାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଫଟାଫଟ ମୋତେ କୁହ, କମ୍ବୋଜର ରାଜଧାନୀ ରାଜପୁରା ବା ହଟକ? କମ୍ବୋଜର ରାଜଧାନୀ ରାଜପୁରା ବା ହଟକ। ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ, ଗାନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ ତକ୍ଷଶିଳା, ଗାନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ ତକ୍ଷଶିଳା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଚାଲି ଆସିବା କୁରୁ। କେଉଁଠିକି ଚାଲି ଆସିବା? କୁରୁ। କୁରୁ ଦେଖ, କୁରୁ ନାଁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କୁରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। କୁରୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, 3 ନମ୍ବର ମହାଜନପଦ କୁରୁ। କୁରୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଦେଖ, କୁରୁ ହେଉଛି ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ, ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ। ଓକେ, ଆଉ ଆମ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ଥିଲା, ତାକୁ କୌରବ ବଂଶ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କୁରୁ। ଦେଖ, କୁରୁରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? କୁରୁରେ କୌରବ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ବଂଶ? କୌରବ ବଂଶ। କୁରୁରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? କୌରବ ବଂଶର ଯେଉଁ ବଂଶଧାରୀମାନେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, କୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଦିଲ୍ଲୀ। କୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଦିଲ୍ଲୀ। ତ କୁରୁର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଦେଖ କୁରୁର ରାଜଧାନୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳୁଥିଲା। କୁରୁର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ହସ୍ତିନାପୁର, ହସ୍ତିନାପୁର ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ବୁକ୍ରେ ତୁମର ଲେଖାଯାଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଉପରେ। କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି? ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସମୟରେ କୁରୁର ରାଜଧାନୀ ବଦଳୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା, ହସ୍ତିନାପୁର ଥିଲା, ହସ୍ତିନାପୁର ଥିଲା। କାହା ରାଜଧାନୀ?
कुरुर राजधानी जो इंद्रप्रस्थ जो कहते इंद्रप्रस्थ वर्तमान जो इंद्रप्रस्थ और ना हूँ दिल्ली वर्तमान इंद्रप्रस्थ ना कौन दिल्ली आउ इंद्रप्रस्थ से ही जगह जोटी पांडव मानू कौरव मैंने दुर्योधन दुशासन मैंने कौन करते से गोटे घरे इंद्रप्रस्थ जो नुआ राज्य प्रतिष्ठा करते किए पांडव मैंने कहीं भगवान श्रीकृष्ण कौन कले पांडव मान सपोर्ट करते तो कहले कि ठीक अच्छे तुम कुरु राज्य कौरव मैंने नहीं जाओ दुर्योधन तुम कुरुराज्य नहीं जाओ कितु तुम पांडव मान गोटे छोट राज्य दि कि दुर्योधन कौन कहला मुझ बिना युद्ध देवी ना सूच्यग्रे मेदी दुर्योधन कहला मुझ बिना युद्ध में छुंची अगर मेदी मुझे देवी ना बहुत अहंकार थिला बहुत अहंकारी थिला ता दुर्योधन पाखे बहुत गरीबी थिला बहुत अहंकारी थिला बहुत लोभी थिला तो ये कौन कले भगवान श्रीकृष्ण बुझे सुझे कि इंद्रप्रस्थ नामक गोटे छोट जगह आनी कहा ना पांडव मान तो से इंद्रप्रस्थ में आमर जो जी आमर अच्छा जी विश्वकर्मा जी अच्छा आम जो देवता जी अच्छा निर्माण देवता विश्वकर्मा तो विश्वकर्मा कौन करते इंद्रप्रस्थर जो डिजाइन जो सब बनई थे विश्वकर्मा तो इंद्रप्रस्थ फास्ट टाइम रही थे कौ मैंने जो इंद्रप्रस्थ जो रही थे किए आम पांडव मैंने से कुरु प्लानिंग कर कौन कर कुरुर जे दुर्योधन प्लानिंग कौन कर इंद्रजन जो इंद्रप्रस्थर जो घर बना जाता से घर पूरे पूरा मानने जमी से घर टिके निया लगे घर सारा निया लगे एमती प्लानिंग कर बनता तो से घर निया लगे कितु भगवान श्रीकृष्ण द्वारा इंद्रप्रस्थर बंची जाते किए ना आमर जो पंचु पांडव आ माता कुंती द्रौपदी ये सब बंची जाते इंद्रप्रस्थर इंद्रप्रस्थ से ही जगह था जो दुर्योधन आ दुशासन कौरव मैंने पांडव मानक जाड़ी मारदेवाई चाहते से जगह हूँ इंद्रप्रस्थ कुरुर राजधानी हूँ इंद्रप्रस्थ कुरुरे कौ मैंने शासन करते कौरव मैंने कौ मैंने शासन करते कौरव मैंने देखो जो कुरु थिला ये साधारण तो जो विवाह संपर्क माने वैवाहिक संपर्क फॉर एग्जांपल धृतराष्ट्र हो गले कुरु राजा धृतराष्ट्रंकर विवाह करा जायतिला जेमिति आमर जो हो गले आमर कौन अर्जुनंकर विवाह पांडव मानकर विवाह तो एमानंकर विवाह संपर्क रखा जाउतला का सहित ना गांधार सहित कुरुर विवाह संपर्क रहतला गांधार आ पांचाल मन रख एमानंकर विवाह संपर्क का सहित रखा जाउतला गांधार सहित आउ पांचाल सहित आहरी रखा जाता विवाह संपर्क किंतु ये दुटा मन रख कौन ये दुटा इंपोर्टाट मन रख गांधार आउ कौन पांचाल तेने कुरुर विवाह संपर्क का सहित रखा जाता गांधार सहित रखा जाता आउ का रखा जाता आउ का रखा जाता पांचाल सहित रखा जाता क्लीयर तो ये थिला कुरु ये थिला चारि नंबर राज्य आम आज चारिटा राज्य देखिले चारिटा महाजनपद विषय देखिले चारिटा महाजनपद विषय आम देखिले वीडियो रे नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा आम कौन तापर आउ जो बाकी चारोटे रहा ओके आज ट्राए करते आठटी वीडियो करिया किंतु जेहेतु वीडियो बहुत लंबा हो गला तो आम ट्राए करिबा नेक्स्ट वीडियो रे आम आउ चारोटे कंप्लीट करिया ओके वेरी गुड थैंक यू।